हरे कृष्णा, मैं हूँ ज्योत्साचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लख गुरु कार्यक्रम। लख गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के बारे में कि जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज आपकी प्रगति होगी या पदोन्नति होगी, स्थानांतरण होगा या जहाँ है वहीं आपकी पदोन्नत हो सकती है। और आज आपको विदेश यात्रा का क्या योग बन रहा है, माली हालत आपकी कैसी रहेगी, ये सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। और आपके लिए शुभ अंक क्या होगा, शुभ रंग क्या होगा, आपको क्या सावधानियां बरतनी है, क्या उपाय बरतना है, ये सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आ रहा था, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और आपको ज्योतिष से संबंधित अगर कोई भी जिज्ञासा है, आपके मन में प्रश्न है, अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो आप क्या करें कि इनबॉक्स में जाएं, अपना नाम लिखिए, अपना जन्मतिथि, जन्मस्थान और जन्म समय लिख करके भेजें ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में। तो जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। आज आपका कालखंड आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज आपकी धन धान की स्थिति अच्छी होगी और जिस फील्ड में प्रयास करेंगे उसमें आज आपके लिए आर्थिक स्थिति काफ़ी सशक्त होगी और नए तरह के कार्य करने से आपका फ्यूचर आज सुरक्षित होते हुए दिख रहा है। तो भविष्य में जो भी प्लान करेंगे उसमें भी सफलता मिलेगी और वर्तमान में किया गया प्लान भी आपको सफलता दिलाएगा। माली हालत आपकी अच्छी होगी, रोग और शत्रु परास्त होंगे, सरकार से आज आपको लाभ मिलेगा, विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है, आयात निर्यात से धन मिलेगा। बहुत दिनों से जो आप प्रतीक्षित कर रहे हैं कि घर बना लेंगे, कुछ नई चीज़ें करना चाहते हैं, वो आपकी इच्छाएं पूर्ण होते हुए दिख रही है। माली हालत आपकी अच्छी होगी, सफलता मिलेगा, घर इत्यादि बनवा सकते हैं, भूमि भवन खरीदने का भी योग बन रहा है। यदि आप शेयर से ट्रेडिंग में अगर नए तरह का प्लान कर रहे हैं तो उसमें भी आज आपको आशातीत सफलता मिलते हुए दिख रही है। दूर देश की यात्रा से मन थोड़ा उद्विग्न हो सकता है, अकारण मन में असुरक्षा की भावना डेवलप हो सकती है, भाई बहनों का सुख मिलेगा, पारिवारिक दायित्व को पूर्ण करते हुए दिख रहे हैं, सारी जो भी दायित्व पूर्ण होने की प्रबल योग बन रहा है। घर में नए मेहमान के आने से मन प्रफुल्लित रहेगा, नए तरह के कार्य कर सकते हैं, इसकी प्रबल संभावना बन रही है। दूर देश की यात्रा का भी योग बन रहा है और आज आपको नए तरह के कार्य भी कर सकते हैं, विदेश गमन से मन प्रसन्न रहेगा। और यदि सरकार में कोई नए तरह के कार्य या नए प्लान कर रहे हैं तो सरकार में आज आपकी काफ़ी महत्व बढ़ेगा और सरकार से लाभ मिलते हुए दिख रहा है। और ध्यान रखना है कि द्रुत गति की गाड़ी नहीं चलानी है। नए मेहमान के आगमन से भी मन प्रफुल्लित रहेगा। यदि घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो उसके स्वास्थ्य में सुधार होते हुए दिख रहा है। आज आपके लिए सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि आप भावुकता में बह करके कोई कार्य न करें, दिल के बजाय दिमाग से निर्णय लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आपको उपाय क्या करना है, उपाय करना है कि गौशाला में जाके गाय को हरा चारा खिलावें और भगवान विष्णु जी की आराधना करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का भी जप करते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए शुभ अंक है 3 और शुभ रंग है हरा। हरे कृष्ण।